सदर ममलिकत ने कौमी खजाने पर बोझ न डालने का फैसला किया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। सदर ममलिकत ने तनख्वाह न लेने का फैसला मौशी चैलेंजेस के पेश नज़र किया। तो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का ये फैसला, इस बारे में जानते हैं नुमाइंदे हसन अली से। हसन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है वो अपनी तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। सदर मुमलिकत ने फैसला दरपेश माशी चैलेंजेस के पेश नज़र जो है वो किया है, जबकि आसिफ अली जरदारी के फैसले का मकसद मुल्क में दानिशमंदाना मालियाती इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। सदर मुमलिकत ने कौमी खजाने पर बोझ ना डालने का फैसला किया और तनख्वाह ना लेने को तरजीह दी है। जी बहुत शुक्रिया हसन आपका। सदर ममलिकत ने कौमी खजाने पर बोझ न डालने का फैसला किया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। सदर ममलिकत ने तनख्वाह न लेने का फैसला मौशी चैलेंजेस के पेश नज़र किया। तो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का ये फैसला, इस बारे में जानते हैं नुमाइंदे हसन अली से। हसन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है वो अपनी तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। सदर ममलिकत ने फैसला दरपेश माशी चैलेंजेस के पेश नज़र जो है वो किया है, जबकि आसिफ अली जरदारी के फैसले का मकसद मुल्क में दानिशमंदाना मालियाती इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। सदर ममलिकत ने कौमी खजाने पर बोझ ना डालने का फैसला किया और तनख्वाह ना लेने को तरजीह दी है। जी बहुत शुक्रिया हसन आपका।